जिस तरह से बंद मुट्ठी से रेत फिसलती है, ठीक उसी तरह पिछले एक सप्ताह में ममता बनर्जी के हाथ से पश्चिम बंगाल फिसल गया है। यदि हम पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रमों को देखें तो पाएंगे कि किस तरह ममता बनर्जी अपने किलों को बचाने के लिए राजनीति के निम्न स्तर पर पहुंच चुकी हैं। ममता बनर्जी और उनके समर्थक पश्चिम बंगाल में अपने विरोधियों पर इस कदर हिंसक हुए हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों में ममता बनर्जी की छवि एक हिंसावादी नेता के रूप में बन गई है और अब सूबे के लोग अपने राज्य को गुंडा राज से मुक्ति दिलाने की ठान चुके हैं। ममता बनर्जी की लाख कोशिशों के बावजूद प्रदेश की जनता भाजपा को दूसरे विकल्प के तौर पर देख रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति की थी। उन्होंने सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ऐसे महीने में चुनाव का आयोजन किया गया है जिस समय मौसम बहुत गर्म रहता है, इससे वोटर्स को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं टीएमसी के नेता व कोलकाता से मेयर फिरहत हकीम ने चुनावों के समय पर सवाल उठाते हुए कहा था, चुनावों को जानबूझकर रमजान के समय करवाया जा रहा है ताकि मुस्लिम वोटर्स अपना वोट ना डाल पाएं। तब से लेकर अब तक 6 चरणों के चुनाव भी हो चुके हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति अब राजनीतिक हिंसा में बदल गई है जो लोकतंत्र का गला घोट रही है। वैसे तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हमेशा ही लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती रही हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो बंगाल में लोकतंत्र लगातार दम तोड़ता नजर आ रहा है। ममता सरकार पूरे राजकीय तंत्र को अपनी हिटलर शाही की विचारधारा को बढ़ावा देने में इस्तेमाल कर रही है। उनके कार्यकर्ताओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे सरेआम अपनी विरोधी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर हमला करने से भी नहीं हिचक रहे हैं। मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के एक रोड शो के दौरान टीएमसी के छात्र विंग के कुछ सदस्यों ने जमकर गुंडागर्दी की थी और कई गाड़ियों में आग लगा दी थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दिल्ली से भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को भी हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि जब बग्गा से जुड़े कोई सबूत कोलकाता पुलिस को नहीं मिले तो उन्हें बग्गा को छोड़ना ही पड़ा। जिस तरह की हिंसा और आगजनी अमित शाह के चुनाव प्रचार में हुई थी उसे पूरे देश ने देखा था। इसी के साथ सभी को ममता बनर्जी के तानाशाही का वो रूप भी देखने को मिला जो पहले कभी खुलकर सामने नहीं आया था। सभी ने देखा किस तरह से सत्ता खोने का डर ममता में इतना बढ़ गया है कि वो हर हथकंडा अपना रहे हैं, वो चाहे संविधान के खिलाफ ही क्यों ना हो। ममता सरकार की असहिष्णुता का एक और उदाहरण हमें पिछले दिनों ही तब देखने को मिला था जब सिर्फ एक मीम को शेयर करने पर पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा भाजपा के युवा नेता प्रियंका शर्मा को हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रियंका शर्मा को रिहा कर दिया गया था। सच कहूं तो राज्य में कानून व्यवस्था का जिस तरह से ममता बनर्जी अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रही थी वो भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की रैली में खुलकर सामने भी आया। अमित शाह ने कहा भी था कि कल भाजपा का रोड शो था और 3 घंटे पहले जो पोस्टर बैनर लगाए थे उसे हटाए जाने का काम शुरू हुआ और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शांति बनाए रखी। रोड शो शुरू हुआ तो उसमें भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा था। इस दौरान 3 हमले हुए। तीसरे हमले में आगजनी, पथराव और पेट्रोल बम फेंकने की घटना हुई। इस तरह की अफवाहें थी कि कॉलेज के बंदे आकर दंगा करेंगे, लेकिन पुलिस ने पहले से कोई कार्रवाई नहीं की। यही नहीं, हमले के दौरान अमित शाह को अगर किसी ने बचाया था तो वो सीआरपीएफ के जवान थे। इससे साफ है कि पश्चिम बंगाल में जब जनता ने भाजपा का समर्थन किया तो डरी हुई ममता ने कानून की ही धज्जियां उड़ा दी। नतीजा ये हुआ कि चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव करवाना भी एक कड़ी चुनौती बन गया। पूरे देश भर में राजनीतिक हिंसा की खबरें अगर किसी राज्य से आ रही थी तो वो पश्चिम बंगाल ही है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग की थी। आखिरी चरण के मतदान से पहले बंगाल में जारी इस राजनीतिक हिंसा के तांडव के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आखिरी चरण के चुनावी प्रचार को 16 मई रात 10 बजे तक ही सीमित रखने के आदेश जारी कर दिए। इसके लिए आयोग ने पहली बार संविधान की धारा 324 का इस्तेमाल भी किया। इसके अलावा आयोग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी किया। आयोग ने राज्य के गृह सचिव अत्री भट्टाचार्य और सीआईडी के एडीजी राजीव कुमार को उनके पद से हटा दिया। बता दें कि 7वें चरण में बंगाल की 9 सीटों पर मतदान होना है और इस 7वें चरण में बीजेपी को भारी बहुमत मिलती दिख रही है। बंगाल आज ममता के तानाशाही शासन से त्रस्त हो चुका है और यही कारण है कि अब यह राज्य ममता बनर्जी के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है।